डायरी पर लिखी हैंडराइटिंग ओरिजिनल है? जी हाँ, ये जूलिया की डायरी है जो जूलिया रोज लिखा करती थी। ये जॉनी के पास थी। अच्छा, और ये है वो चिट्ठी जो आपको मिली है? जी हाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही इंसान की हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी जूलिया जिंदा है। जिंदा है मेरी जूलिया। तू पागल हो गया है, पागल हो गया है तू। तूने अपने हाथों से जूलिया को दफन किया है, भूल गए? मैं भी था तेरे साथ, हम दोनों फूट फूट कर रोए थे। जूलिया मर चुकी है जॉनी, मर चुकी है जूलिया। तो फिर मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? किसने लिखी वो चिट्ठी? किसने लिखी वो चिट्ठी? एक काम करेगा मेरे दोस्त, तू अभी जा और अपने घर की खिड़की ठीक करा दे। लगता है ये चिट्ठी जूलिया ने नहीं, जूलिया की आत्मा ने लिखी है। मुझे अब लगने लगा है कि वो जूलिया की आत्मा ही थी। अक्सर ऐसा होता है। तूने खिड़की ठीक करा दी ना, अब देखना वो चैन से चली जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अनवर भाई, सामने वाले बंगले में कुछ चिट्ठियां देकर आता हूं, बहुत जरूरी है। चलो चलो, ऑटो ऑटो ऑटो। याद है जॉनी, जब तुम, मैं और जूलिया एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, जूलिया कितनी हंसमुख, कितनी लाइवली थी। लेकिन एक दिन हम कुछ और बात नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मैं भी भूल जाता हूं कि जूलिया। साहब, ये आपकी चिट्ठी। जॉनी साहब, ये लीजिए, ये आपकी चिट्ठी। जूलिया की चिट्ठी? ये कैसे हो सकता है? इसमें से जूलिया की खुशबू आ रही है। बकवास मत करो जॉनी, मैं समझ गया, ये साहब क्या कर रहे हैं? कहां से लाता है चिट्ठियां? कौन देता है? चिट्ठियां आती और मैं ना कर देता हूँ। आज की बात यहाँ दिखाई दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सॉरी साहब, आपको ये क्या हो गया? आप मुझे मार रहे हैं। सॉरी, जाओ यहाँ से। मेरे जॉनी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो। खिड़की ठीक कराने के लिए शुक्रिया। अब सिर्फ एक ही परेशानी है, बाथरूम के नल से पानी टपकता रहता है। मैं सो तक नहीं पाती, उसे भी ठीक करवा दो ना। तुम्हारी जूलिया। ये कैसे हो सकता है?
गोलियां यहीं कहीं हैं, हमारे आसपास। ये क्या कह रहे हो तुम? जूलिया, जूलिया, जॉनी, जूलिया, जॉनी, जूलिया, जॉनी, जूलिया, 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 जूलिया। तुमने तो कहा था कि जूलिया की आत्मा अब भी भटक रही है। कहा था मैंने? ये भी हो सकता है, ये उसकी आखिरी तकलीफ हो जॉनी। तुम ऐसा करो, तुम फौरन उस नल को ठीक करा दो, फौरन, तभी जूलिया की आत्मा को शांति मिल सकती है। जूलिया, 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 आ रहा हूँ मैं। कहा था ना, वो जूलिया की आत्मा ही थी जो अब शांति से चली गई। अब वो कभी नहीं लौट कर आएगी। मैं दो तीन दिन में आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। अब देखो देखो, जूलिया के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। अच्छा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अरे तुम लोग को अक्कल नहीं है क्या? रोज तो पटाखे चलाते हो, अपने घर में जाके पटाखे चलाओ ना, खुद भी मरोगे मुझे भी मरवाओगे। तुम अपना ख्याल रखना, मगर जूलिया के बारे में मत सोचना, अब वो बहुत दूर जा चुकी है, हैं? अच्छा, 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 अपना ख्याल रखना, हैं? कोम्स, इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम भी यहाँ रहते तो अच्छा था। जॉनी साहब, जॉनी साहब, बाहर आइए, आपका लेटर है। आज सिर्फ आपका लेटर है।